अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद होगी आप सब ठीक ठाक हैं। आज आपके लिए लेके आ गए हम लोग बेहतरीन जॉब और लेके आ गए हैं यूरोप की जॉब। तो गाइस बिल्कुल भी स्किप नहीं करना वीडियो को, थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें हम लोग डिटेल से बात करने लगे हैं। फर्स्ट टाइम इस कंट्री के बारे में वीडियो बनाने लगे हैं और 98% इसके चांसेस है पाकिस्तान से वीज़ा लगने के। ठीक है, सारी डिटेल बताते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह अप्लाई करना है, कितनी वीज़ा कॉस्ट है और क्या सैलरी पैकेज है और सारी डिटेल बताते हैं। लेकिन उससे पहले शिव सब क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें डेली जॉब्स अपडेट के लिए। और गाइस कतर की, गल्फ की और जितने भी गल्फ कंट्रीज की जॉब्स और कतर की इन्फॉर्मेशन मोस्टली अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पर जुड़े रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरे पाकिस्तानी भाइयों के लिए जिनको जॉब्स की नीड है गल्फ के अंदर, उनके लिए मैंने फेसबुक पेज बनाया। मेरा फेसबुक पेज विजिट करना मत भूलें क्योंकि मैं उस पर डेली से नहीं हर 2-3 घंटे में जॉब्स अपडेट करता रहता हूँ। जिन भाइयों को गल्फ में जॉब की नीड है वो मेरे फेसबुक पेज पे जाके विजिट करें, इंशाल्लाह आपको वहाँ से जॉब मिल जाएगी। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो गाइस हम लोग बात करने लगे हैं हंगरी की। तो गाइस हंगरी के अंदर जॉब्स आई हुई है और 98% चांसेस है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले शिव भाई से बात करते हैं कि शिव भाई जॉब्स कौन कौन सी आई हुई है। ये इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रीशियन हेल्पर की जॉब आई है। ठीक है, इसके लिए डिप्लोमा वगैरह अलावा। ठीक है, डिप्लोमा कितने साल का शेफ भाई? 3 साल का। 3 साल का डिप्लोमा से एक्सपीरियंस कितने साल का शेफ भाई? एक्सपीरियंस 2 ईयर्स। 2 साल का एक्सपीरियंस है। चले ये तो हो गई जॉब्स कौन कौन सी आई हुई। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं गाइस के हंगरी के बारे में। तो गाइस एक हंगरी जो है ना ये यूरोप है, यूरोप जोन है। ठीक है, बहुत सारे भाइयों को पता नहीं होगा तो हंगरी गाइस यूरोप जोन है। ठीक है, और गाइस हंगरी के साथ 3 बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के बॉर्डर लगते हैं। सबसे पहले स्लोवाकिया का बॉर्डर लगता है, उसके अलावा इसके साथ एक अगर एक सिटी एक मतलब सी कंट्री छोड़ के इसके साथ पोलैंड का बॉर्डर लगता है। तो गाइस बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा हब है। आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है कि आप यूरोप यहाँ से जा सकते हैं और यूरोप यानी कि आप इस कंट्री में 2-3 साल लगाएंगे, इंशाल्लाह आपके पास आगे चांसेस हो जाएंगे मूव होने के। मूव होने से मुराद यानी कि आप किसी भी बड़ी यूरोप कंट्री में मूव हो सकते हैं और किसी अच्छा और अच्छा फ्यूचर ले सकते हैं। गाइस सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, ड्यूटी रूटीन बहुत अच्छी है, अलाउंसेस बहुत अच्छे हैं और गाइस फैसिलिटीज़ तो और ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस थोड़ी सी लंबी वीडियो होने वाली क्योंकि इसके अंदर हम लोग डिटेल से बात करने लगे हैं ताकि मेरे जितने भी पाकिस्तानी भाई हैं, ये पाकिस्तानी भाइयों के लिए जॉब है, जितने भी पाकिस्तानी भाई हैं वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकें और सारी वीडियो समझ सकें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो आपको सीधा लेके चलते हैं इसकी सैलरी पे। तो गाइस इसकी सैलरी इस तरह है कि जो पर आवर्स के हिसाब से, आपको तो पता होगा यूरोप में पर आवर के हिसाब से सैलरी मिलती है। तो गाइस जो इलेक्ट्रिशियन है उसकी पर आवर 5 यूरो सैलरी है। कितनी गाइस? 5 यूरो पर आवर सैलरी है। मंथली इसका जो आवर्स टाइम है जो हमें डिटेल मिली है वो 220 घंटे। अगर 220 घंटों को 5 से कन्वर्ट करते हैं हम लोग तो तकरीबन 1100 यूरो बन जाती है। ठीक है, 1100 को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी, इस वक्त यूरो का जो रेट है वो 310 रुपये करीब है। तो तकरीबन मेरे जो काउंटिंग की थी वो की थी तकरीबन 3 लाख 85 करीब सैलरी बन रही थी। फिर भी आप 1100 यूरो को कैलकुलेट कर लेना। अब बात करने लगे हैं गाइस इसकी जो हेल्पर है, इलेक्ट्रिशियन जो हेल्पर है उसका काम ये है कि इलेक्ट्रिशियन के साथ जो जितने भी काम होते हैं वो काम उसने करने हैं और उसकी सैलरी है 3 यूरो पर आवर। उसकी सैलरी तकरीबन 800 से 700 यूरो के करीब करीब बन रही है। उसका भी 220 घंटे है और जो वर्किंग आवर्स है मंथली, और उसकी सैलरी भी तकरीबन 2.5 लाख रुपये करीब करीब सैलरी बन रही है। तो ये तो होगी गाइस सैलरी पे बात। अब इसके हम लोग वर्किंग आवर्स पे बात करने लगे तो गाइस इसका टोटल वर्किंग आवर्स है 220 घंटे। इसका वर्किंग आवर 220 घंटे कैसे कि इसका संडे ऑफ है। ठीक है, अगर आप संडे लगाएंगे तो और ज़्यादा प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। संडे ऑफ है और जो इसका सैटरडे है ना उसमें आपको 5 घंटे ड्यूटी करनी है। जो डिटेल लिखी हुई है मैं उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ। जो संडे है वो ऑफ है, जो सैटरडे है वो 5 घंटे, बाकी के रूटीन डेज है वो 8 घंटे। ठीक है, इसके अंदर जो रिहाइश, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, बजरिया कंपनी है। लेकिन इसमें गाइज एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो रिहाइश है ना वो होटल की रिहाइश है और एक रूम में 3 लोग हैं, ये 3 लोगों से ज़्यादा नहीं है। पर्सनल किचन है, पर्सनल वाशरूम है और हर चीज़ पर्सनल दी गई है। इसकी ऑक्यूपेशन की वीडियोस भी हमारे पास है। बहुत अच्छी जो है ना इनको लोकेशन दी है और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहा है। फर्स्ट टाइम ये आई है डिमांड हमारे पास पाकिस्तान से।
ठीक है, इसकी एप्लीकेशन बहुत इजी है, इसकी वीज़ा कॉस्ट भी हम लोग आपको बताते हैं, लेकिन थोड़ी डिटेल से बात करेंगे, वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। तो ये तो गई गाइस हमारी सैलरी की और हमारे वर्किंग आवर्स की। अब गाइस की ड्यूटीज़ की बात कर लेता हूँ, तो गाइस की ड्यूटीज़ ऐसे जैसे ये कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की कंपनी में इलेक्ट्रिशियन और हेल्पर चाहिए। जैसे आपको अगर बिल्डिंग है तो इसके अंदर पाइप्स के अंदर आपको वायरिंग करनी पड़ेगी, अंडरग्राउंड वायरिंग करनी पड़ेगी, जो जो डिटेल लिखी हुई मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अंडरग्राउंड वायरिंग करने की बड़ी बड़ी वायरें हैं, उनके साथ आपको जो है मतलब वायरिंग करनी पड़ेगी। जो हेल्पर है और जो कंस्ट्रक्शन है, दोनों के दोनों पाकिस्तानी होने चाहिए, इलेक्ट्रिशियन और हेल्पर। हेल्पर के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसके पास जो है डिप्लोमा हो या एक्स वाई जेड कुछ भी हो, लेकिन उसके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गल्फ का नहीं तो किसी पाकिस्तानी बड़ी कंपनी का, इलेक्ट्रिशियन की बड़ी कंपनी का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। तो गाइस ये तो हो गई दोनों चीज़ें कि सैलरी और ड्यूटीज़ और वर्किंग आवर्स, ये तो 3 चीज़ें हो गई हमारी। अब चौथी चीज़ पर बात हम लोगों ने कर ली कि हमारी जो कंपनी की तरफ से फैसिलिटी थी वो भी है। खाना इसमें गाइस आपका अपना है, लेकिन आपको पर्सनल किचन दिया जाएगा, कुकिंग आपने खुद करनी है। और छः महीने बाद छुट्टी है, लेकिन ये छुट्टी वो वाली नहीं कि जिससे आप पाकिस्तान आ सके, ये कंट्री की छुट्टी है। उसके अलावा इसकी सैलरी है जो गाइस, सैलरी आपको हर 15 मंथ मतलब जो मंथ की 15 होगी यानी मंथ की 15 तारीख होगी, 15 से 15 की सैलरी पैकेज है। ये नहीं है कि 3 या 4 की, आपको 15 से 15 की सैलरी मिलेगी। उसके अलावा शिव भाई और कोई डिटेल छुट्टियों की भी मिलेगी, और जो 14 दिन की छुट्टी मिलेगी हर 3 महीने बाद, ये जो सैटरडे संडे की छुट्टी जो है ना, ये तो अलग है गाइस। इसके अंदर ना मतलब बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट आई हुई है मेरे इलेक्ट्रिशियन भाइयों के लिए और मेरे हेल्पर भाइयों के लिए, लेकिन हेल्पर के पास भी इलेक्ट्रिशियन का एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का। और जो ये छुट्टियाँ वो भी पेड है गाइस, बहुत अच्छी बात है। और साल के बाद आपको रिटर्न टिकट मिलेगी आपकी कंट्री की। और गाइस इसके अलावा क्या फैसिलिटीज़ है, प्लेस्टेशन पैड किस चीज़ का है आल्सो ऑफर, और जो आपकी जो सालाना छुट्टी होगी उसके भी आपको पैसे मिलेंगे, जो आपकी बेसिक सैलरी बनेगी सैटरडे संडे को छोड़ के। तो गाइस बहुत अच्छा चांस है आपको जाने के लिए। इसकी एज लिमिट है, एज लिमिट क्या शेप है इसकी, 20 साल से 50 साल होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस होगा, अगर आपने डिप्लोमा किया होगा तो तकरीबन 23 कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जो है इसके लिए अब माइंड बना लें कि 22-23 वाला अप्लाई करें तो अच्छा है। अब गाइस बात कर लेते हैं कि इसकी एम्बेसी इंटरव्यू की। गाइस इसमें क्लियर लिखा हुआ है, मैं आपको कोई घुमा के बात नहीं कर रहा, तो गाइस इसमें क्लियर लिखा हुआ है 98% चांसेस है आपके वीज़ा लगने के। लेकिन क्या लिखा हुआ है उसके साथ कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, 100% इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू नहीं दे सकेंगे तो आपका फिर फ़ायदा नहीं होगा। ये पॉइंट है, जब आप एम्बेसी जाएंगे तकरीबन 2 महीने के अंदर प्रोसीजर टाइम में, 1 महीने में आपका वर्क परमिट रिसीव होगा और 1 महीने में आपका इंटरव्यू मतलब एम्बेसी इंटरव्यू आ जाएगा। गाइस जिन भाइयों को गल्फ़ का एक्सपीरियंस है उनके लिए तो बहुत ही इजीली चांस है गाइस, वो मतलब यूँ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी होगी, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और सिर्फ डिप्लोमा होना चाहिए। हर 3rd पाकिस्तानी के पास इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा है लेकिन उसके पास इंग्लिश लेवल अच्छा नहीं है। तो गाइस इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, एक्सपीरियंस, आप अच्छी जॉब ले सकते हैं। पाकिस्तानी 4 लाख रुपये कमा सकते हैं गाइस, अगर आप गल्फ में भी जाएंगे तो आपकी इतनी सैलरी नहीं होती। एक अच्छा चांस ले लें और यूरोप चले जाएँ, वहाँ जाके अपनी लाइफ बना लें गाइस। 3 साल के अंदर आपको TRC कार्ड मिल जाएगा, वहाँ पर टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड हो जाएंगे, उसके बाद आप किसी भी यूरोप बड़ी कंट्री मूव हो सकते हैं, किसी भी बड़ी यूरोप कंट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात इसकी कर लेते हैं हम लोग एक्सपेंस के, तो गाइस टोटल एक्सपेंस इसके 25 लाख रुपये शेड्यूल वाइज है। इसके अंदर मैंने आपको बोला ना इतने पॉइंट, इतने प्लस पॉइंट और इतनी अच्छी जॉब है ना कि मैं खुद हैरान हूँ कि ये कंपनी इतना क्यों सपोर्ट कर रही है। और ये ट्रैवल एजेंसी गाइस, मैं 100% श्योरिटी है इस ट्रैवल एजेंसी की, मैं 100% श्योरिटी देता हूँ इस ट्रैवल एजेंसी की। तो गाइस इसकी जो मेथड है जो आपका पेमेंट का, गाइस आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ $500 देने, सारी पेमेंट डॉलर के अंदर है, 25 लाख डॉलर्स में पेमेंट होगी। ये जो डॉलर की है कन्वर्ट कर लेना कि कितने डॉलर बन रहे हैं, लेकिन जो 25 लाख रुपये वो डॉलर में पेमेंट है। जब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ओरिजिनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट और आपके जो है जितने भी ओरिजिनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, और गाइस आपका जो NIC है,
अगर जिन भाइयों ने अप्लाई करना है तो गाइज वो उसको कंप्यूटराइज कर लें, जो गल्फ के अंदर जो NIC अप्लाई होता है ना इंग्लिश वाला ECNIC वो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल वाला NIC नहीं चलेगा इसकी अप्लीकेशन के लिए, वो NIC को आपको बना के फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो गाइज की पेमेंट 25 लाख रुपये, इसकी पेमेंट ऐसे मैं एक और आपको प्लस पॉइंट आके बताने वाला हूँ, इसकी पेमेंट ऐसे कि जब आपने फाइल सबमिट करनी है तब $500 देना है, ठीक है। जब आपका वर्क परमिट आ जाता है हंगरी से, आप उसको साइन करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें आपकी प्रोवाइड होती हैं, जिनमें बहुत लंबी लिस्ट है, वो आपको जो है मतलब आप जब मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे इसको अप्लाई करने के लिए तो मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस जब आपका वर्क परमिट आ जाएगा तब आपने $1,000 फिर देना है, तो टोटल हो गए गाइस आपके $1,500, ठीक है। ये $1,500 वो है जब आपने इंटरव्यू देने पहुँचना है, ये वब तक की आपकी फ़ीस है। बाकी $1,500 के बाद जितने भी पैसे बचेंगे वो आपका वीज़ा, आपकी टिकट और आपकी बाकी की शेड्यूल की चीज़ों के ऊपर वब देने हैं, जब आपके पास वो चीज़ें होंगी, उससे पहले चीज़ें नहीं देनी। अगर इन केस गाइस, इन केस अल्लाह ना करे 98% चांसेस हैं इसके वीज़ा लगने के, इन केस अगर आप किसी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं तो गाइस आपको $700 रिटर्न कर दिए जाएंगे। सिर्फ जो पैसे हैं ना आपके $700, वो एम्बेसी फीस और ये सब चीज़ों के, ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स इस पे जो एक्सपेंस आएगा ये उसके पैसे। तो गाइस बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छी अच्छी इसमें फैसिलिटीज़ दी गई हैं आपको। सारी डिटेल मैंने इसलिए वीडियो थोड़ी बोला था कि लंबी होगी, क्योंकि मैं आपको सब कुछ तरीके से समझाने के, ताकि मेरे पाकिस्तानी भाइयों के दिल में कोई भी सवाल नहीं है। तो गाइस इसको अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, मेरे फेसबुक पेज पर आ जाना है, वहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अपने क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स और मुझे एक छोटी सी वीडियो चाहिए जिसके अंदर आप अपने बारे में इंग्लिश के अंदर बताएंगे, मैं फिर आपको बताऊंगा कि आपकी इंग्लिश लेवल अच्छा है या नहीं है, आप अप्लाई करें या नहीं करें। तो उम्मीद होगी गाइज ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, ताकि मेरे और पाकिस्तानी भाइयों का फ़ायदा हो और वो यूरोप जा सके एक ट्रस्टेबल एजेंसी के थ्रू। अल्लाह हाफिज़।